सिंधु करुणा कीजे, अब शरण में दीजिए। I'm gonna make it right.
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सृंदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जनन प्रभजन तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुष्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबे बर हाथ धरे बोले बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री मात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री मात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया है। मतलब है अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं हमें चार नियमों को पालन करनी चाहिए। पहला नंबर किया बोले जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य, जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, उनको झूठ झूठ बोलते वो लोग, धर्म का पहला चरण खत्म हो जाते हैं। दूसरा नंबर है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नस्ली वस्तु में जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक भी चाय भी नहीं पीनी चाहिए। चाय कितने लोगों से क्या बोलो कौन कौन चाय पीते हो डर से भी हाथ नहीं चाहिए। इसलिए चाय में भी कफी और उसमें निकोटीन डाला हुआ है, इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं बाद में बताऊंगा कि नहीं पीनी चाहिए। और तीसरा नंबर है तब अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से नहीं मिलनी चाहिए। संसार करो, शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ धर्म को बितानी चाहिए। यहाँ पर अवैध रूप में मिलने पर वहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है इसका इनको थोड़ी सी कम कर दो। चौथा नंबर है जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा में जैसे मांस है मछली है अंडा है और प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। जब श्री परीक्षित महाराज कली को ये चार जगह पर स्थान दे दिया लेकिन तब भी कली खुश नहीं। बोले मैं कहाँ कहाँ घूमते रहो, कौन जुआ खेल रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन अवैध स्त्री, मैं कहाँ कहाँ घूमते रहो, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जहाँ पर ये सारी चीज इकट्ठे मिल जाए। तब उन्होंने उनको सुवर्ण में स्थान दिया है। सुवर्ण मतलब होता है पैसा। अब देखना जहाँ पर ज़्यादा पैसा हो वहीं पर जुआ कौन खेलेगा, वही तो खेलेगा। शराब कौन पिएगा, नस्ली वस्तु कौन ग्रहण करेगा, बोले जो पास में ज़्यादा पैसा हो। बेस्या घर में कौन गमना करेगा, बोले जिसको पास में पैसा हो। और ये मांस एक एक किलो मांस 400 500 600 हजार रुपया देकर कौन खाएगा, बोले जिसको पास में ज़्यादा पैसा हो, सारे अधर्म वहीं पर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि जो पैसा को कहते लक्ष्मी और मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी, फिर राधा रानी में ये कली का स्थान कहते हैं, इसका रहस्य क्या है। बोले इसका रहस्य ये है कहते लक्ष्मी की दो वाहन हैं। कितने वाहन हैं, बोले जोर से। हाँ कौन कौन है,
सर, एक है उल्लू और एक है गरुड़। आप देखना उल्लू के ऊपर में माँ लक्ष्मी अकेली बैठती है। घर में लक्ष्मी को बुलाओ, अगर अपना भोग के लिए अगर लक्ष्मी को बुलाओगे, फिर लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठ कर जाएगी और हमें उल्लू बनाएंगी। अगर लक्ष्मी को बुलाओ क्यों, ठाकुर जी की सेवा के लिए, बगैर पैसा से कुछ होगा ही। अगर ठाकुर जी को सेवा के लिए बुलाओगे तो फिर माँ लक्ष्मी वो अकेले नहीं, कहते नारायण को साथ में गरुड़ को पीठ के ऊपर बैठ करके आएगी। जहाँ पर गरुड़ वहीं पर वैकुंठ है, वैकुंठ में ये गरुड़ का निवास है। हमारे घर को ये वैकुंठ धाम, हमारे घर को ये वैकुंठ धाम बना देती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण। आप लोग जो सामने बैठे हो ना, इधर उधर मत देखा करो, सारा दुनिया को दिखते हो, मेरे तरफ में देखो, उधर मत देखा करो। इसलिए एक दिन श्री परीक्षित महाराज जब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, इतने जोर से उनको आज प्यास लगी कभी जिंदगी में लगी नहीं। एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और ऋषि भगवान की भक्ति में बैठे हुए थे, तब उन्होंने वो ऋषि को पानी मांगे, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया। लेकिन परीक्षित महाराज को ऐसे लगा, शायद ये मेरे को देख करके ये झूठ मूठ का आंख बंद कर दिया है। इसलिए उन्होंने परीक्षा करने के लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज इनकी जो पिताजी, बताओ तो परीक्षित महाराज के पिताजी कौन थे, कौन बोलेगा हाथ उठाए, कौन थे बोलो, कौन बोलेगा परीक्षित महाराज के पिताजी कौन थे? हाँ, अभिमन्यु है। और अभिमन्यु का पिताजी कौन थे? अर्जुन है। इसलिए कि अर्जुन कृष्ण का परम भक्त है, ये कभी भी संतों को अनादर नहीं कर सकते हैं, हर समय संतों को ब्राह्मण को सम्मान देने वाले। लेकिन ये गले में फिर एक माला क्यों डाल दी, सर्प की माला क्यों डाल दी? उन्होंने ये सोचा, सियार मेरे को देख करके ये झूठ मूठ का आंख बंद कर दी, अभी इसका प्रमाण करके देखता हूँ क्या सचमुच से आंख बंद किया ना भजन कर रहे हैं। उन्होंने धनुष में उन्होंने सर्प को उठाया और उनको गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प को डाल दी। डाल करके जब वो निकल रहे थे, इतने में ऋषि का जो बेटा श्रृंगी ऋषि प्रवेश कर रहा था, उन्होंने देखा पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला हुआ है, तो उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, मैं उनको अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको ये तक्षक उनको दंशन करेगा। जब उन्होंने अभिशाप दे दिया, इतने में ऋषि की आंख खुल गई। तो यहाँ प्रश्न होता है, अभी परीक्षित महाराज इतने चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ दिए, पानी 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 पानी, ऋषि का आंख ही नहीं खुली, और बेटा आकर के थोड़ी सी रो लिया तो उसने क्या कर दिया, उसकी आंख खुल गई। क्या श्रृंगी ऋषि और कोई थे, और ये उनका बेटा था है परीक्षित, और कोई थे, श्रृंगी ऋषि इनका बेटा था इसलिए आंख खुल गई? बोले नहीं, इसका कारण है, पहले जब ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, भजन करते थे, हमारी जैसे नहीं, हम जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय जय
Thank you.
गंगा किनारा में आश्रय लेके श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, पहले भागवत कथा होगा, तब तो भागवत कथा होगी ना, नहीं तो ये भागवत कथा कैसे होगी। इसलिए कृष्ण की जो जोग माया और इच्छा शक्ति ने उसने किया कि इनका ध्यान को तोड़ दिया। देखा बच्चे को रोते हुए, बोले बेटा क्यों रो रहे हो, बोले ऐसे ऐसे श्री परीक्षित महाराज हमारे आश्रम पर आए थे। बोले परीक्षित महाराज आश्रम पर आए थे, बोले हाँ, बोले हमारी अहोभाग्य ने जो श्री परीक्षित महाराज हमारे आश्रम में आए थे। क्यों? श्री परीक्षित महाराज कृष्ण के ये बहुत बड़े ये भक्त है, हमारे आश्रम तो धन्य हो गया है। बोले खैर क्या हुआ? बोले आपके गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया। बोले फिर? बोले फिर क्या? मैंने अभिशाप दे दिया उनको, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। ऋषि को तो बड़ा क्रोध आया। बोले एक परीक्षित महाराज आए, पानी तक भी नहीं दिया, फिर तुमने उल्टा अभिशाप दे दिया। मैं भी आज से ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूं, क्योंकि पहले ब्राह्मणों का मुंह में ना जो कुछ बोलते थे वही हुआ करता था, जो बोलते थे। बोले मैं भी अभिशाप देता हूं, आज से ये ब्राह्मण का अभिशाप में कोई फल नहीं रहेगा, उनको जो पाक शक्ति नष्ट हो जाए, तभी से ब्राह्मणों का जो पाक शक्ति इनकी नष्ट हो गई। बोले भैया कम से कम परीक्षित महाराज को पता लगे इनको पास में साथी दी नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज गले में सर्प की माला को डाल कर गए, लेकिन मन में बड़े दुखी है। बोले क्यों? बोले मैं अर्जुन का वंशधर हूं, मेरे वंश में अभी तो किसी ने संतों को कभी अनादर नहीं किया। हमारे वंश में संत और ब्राह्मण को हर समय में आदर देते रहे, लेकिन मैं ऐसे एक कुलाकार जन्म लिया जो कि एक संतों के गले में मैंने मरा हुआ सर्प को मैंने डाल दिया। अगर कोई पाप कर्म करो उसको प्रायश्चित हो जाए ना, उसको प्रायश्चित हो जाए फिर वो पाप नष्ट हो जाता है। अगर प्रायश्चित नहीं हो फिर उसका दंड भोगना पड़ता है। वो सोच रहे थे कुछ ना कुछ प्रायश्चित होनी चाहिए। इतने में एक ब्राह्मण बालक आकर के परीक्षित महाराज को बोले परीक्षित महाराज आपको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है, आप सप्तम दिवस में आपको ये तक्षक दर्शन करेगा। लेकिन उन्होंने सुन करके दुखी नहीं हुए। अगर हमें कोई बोल दे ना सात दिन में तू मरने वाला, सांप काटेगा, बताओ क्या होगा तुम्हारी? उसी समय का आधा ही बन जाएंगे, आधा ही नहीं कई कई पूरा ही बन जाएंगे, थोड़ी सी जिंदा रहेंगे। सात दिन में मर जाएंगे, ये घर दुकान वकान सब छोड़ना पड़ेगा। और उसी समय में परीक्षित महाराज कौन थे? केवल भारत के राजा नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर में राजत्व कर रहे थे, इतने बड़े राजा थे। लेकिन इसको तो सुन करके खुश हो गए। बोले क्यों? बोले मरने से एक मिनट पहले हमें पता नहीं चलता है हम मरने वाले। लेकिन देखो ठाकुर जी कितने बड़ी कृपा है, सात सात दिन पहले ठाकुर जी हमें सूचित कर दिया सात दिन को बाद में मरने वाला। अगर हम लोग होते हैं ना, अगर हम लोग होते हैं, अगर पता चला हम मरने वाला क्या करेंगे? बोले जितने बढ़िया से बढ़िया खाओ और घूमो है, और जितने मुर्गा और जितने बकरी खा लो, क्योंकि सात दिन बचोगे, इसलिए जितना खा करके बस मर जाओ। लेकिन इसलिए परीक्षित महाराज बोले नहीं, ये जो जीवन हमें मिला है ये 84 लाख जन्म के बाद में हमें ये जीवन मिला, इसलिए सात दिन तक हम भगवान की भजन करते करते भगवान की कथा सुनते सुनते ये अंतिम समय को हम बिताए करेंगे। इसलिए श्री परीक्षित महाराज अपना जो एक छोटा बेटा था उनको उन्होंने राज सिंहासन में बैठा करके इन्होंने गंगा किनारा में सुरताल एक स्थान है वहीं पर उन्होंने प्रायः भसन किया। प्रायः भसन मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम पानी तक नहीं पिएंगे। जो वहां पर पहुंचे वहां पर 88,000 ऋषि लोग वहां पर पहुंचे,
परीक्षित महाराज ने देखा मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में संतों का वरदान है। जीवन में एक संत दर्शन करना दुर्लभ है, लेकिन आज देखो कितने संत बैठे, 88,000। ये तो मेरे ऊपर में ठाकुर की बड़ी कृपा हो गई। तो उन्होंने संतों को प्रश्न करते हैं, बोले देखो बोले अद्यबा अब दसता तेवा मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव, बोले आज हो नहीं तो 100 साल को बाद में हो, सबको एक दिन मरना है। ऐसे कोई बोल सकता है जो हम नहीं मरेंगे, सब एक दिन मरना ही है। इसलिए जो मरणशील जो व्यक्ति जो जिसको एक दिन मरना पड़ेगा, आप कृपा करके बताओ आज हो कल हो परसों हो परसों हो, जिसको मरना पड़ेगा उसका क्या कर्तव्य है। लेकिन नासौ मुनिर जस्य पतन न भिन्नम, लेकिन वहां पर तो 88,000 लोग बैठे। ऋषि किसने कहा भैया एक काम करो, जो गणेश है ना ये विघ्न विनाश है श्री गणेश जी, इसलिए श्री गणेश जी की पूजा करो उपासना करो सारे विघ्नों को दूर कर देंगे। किसने कहा उसका तक भैया गई क्या चली गई? अरे नवदुर्गा की व्रत रखो ना, क्या करो नवदुर्गा की व्रत रखो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाबा कहाँ जा रहे हो, भजन गा के जाना, आ जाओ। हरे कृष्णा बोले श्री वृंदावन कथा तेज करो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो उन्होंने बोले भैया उसका मैया को क्यों पूजा नहीं करते, तो नवदुर्गा की व्रत रखो ना। किसने कहा उसको पिताजी क्या कहीं चले गए? भैया श्री भोले बाबा की क्यों पूजा नहीं करते हो? वहां पर तो ऋषि लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिया। परीक्षित महाराज ने देखा भैया ये तो गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? अगर एक का बात सुने और एक का बात नहीं सुने ना, क्या बोलेगा? क्या हम इतने नीचे हैं, हमारी बात तुमने सुनी नहीं? ये तो जितने ऋषि बैठे ये एक एक अभिशाप है। बाबा पूरा कर बैठे इधर बैठो। इसलिए उन्होंने देखा यद्यपि ये सबके सब एक ही मीमांसा पर पहुंचेंगे। बोले क्या मीमांसा है? मीमांसा एक ही है, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, हरि की भक्ति से ही जीव का परम कल्याण है, और जीव का कोई कल्याण है ही नहीं। यद्यपि ये सबके सब एक ही सिद्धांत पर पहुंचेंगे, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाई, मेरे पास में कुल 7 ही दिन है। इतने में उन्होंने ठाकुर जी के चरण में उन्होंने शरणागति हो गई। बोले हे ठाकुर जी आप ही मेरे को मातृगर्भ में दर्शन दिया रखिया किया, अभी मेरे अंतिम समय मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है, आपकी कथा सुनते सुनते आपका कीर्तन करते करते मेरे 7 दिन बीत जाए, आप ही मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो। जब उन्होंने शरणागति हुई तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी, बोले अष्ट वर्षम 16 साल के, देखने में कृष्ण ही जैसे, एकदम रंग कृष्ण जैसे, रूप भी एकदम कृष्ण जैसे, अद्भुत इनकी रूप थी। स्त्रियां तो देख देख करके पागल हो रही थी, लग रहा था सख्त कोई काम दबा गए। बच्चे तो इनको पागल मान करके शरीर में धूल झोंक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऋषियों को बीच में पहुंचे, वहां पर तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए थे, इनके शरीर में जो लक्षण दिख रहा था अष्ट सात्विक विकार, स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण, जो प्रेम के विकार दिख रहा था उसको देख करके समझ गए भैया ये तो परम संत हैं, ये तो बहुत बड़े संत हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर जितने थे उनकी पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी बैठे हुए थे, इन्होंने सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्हें व्यास गद्दी पर बैठ गए।
जब व्यास गति पर बैठ गए श्री परिकित महाराज तो प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले अतः पृच्छामि समसिद्धि जोगिनांग परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी अतः पृच्छामि समसिद्धि, मतलब है आप कृपा करके ये बताने की कष्ट करें, जगत में जिसको जितना जो मिल जाए कभी कोई प्रसन्न नहीं होता है। एक फैक्ट्री से दो हो गया, दो से तीन हो गया, तीन से चार हो गया। अभी अंबानी को पूछ लो अभी क्या खुश हो, वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा पैसा वाला कंपनी। जितना मिले किसको तृप्त नहीं होता है, इसलिए कहते कमाई कमाई कमाई, मतलब क्या कमाई कमाई, ज्यादा आनी चाहिए ज्यादा आनी चाहिए है। इसलिए जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने पर इसको ये लग जाए जीवन में पूर्ण में हो गया, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, मैं पूर्ण हूं और कुछ चीज हमें चाहिए नहीं। इसलिए समसिद्धि जोगिनाम परम गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। एक दिन सबको एक दिन मरना ही है, ऐसे जो मरणशील व्यक्ति उसको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, आप कृपा करके हमें सारे बात बताओ। देखो यहाँ पर जो बैठे हुए थे सुखदेव गोस्वामी के पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे हैं, लेकिन ये सबसे छोटा बालक है, लेकिन जब कथा सुने इनसे ही क्यों कथा सुने, तो उनका पिताजी के पिताजी भी बैठे हुए थे उनसे क्यों नहीं, ये सबसे छोटे बच्चे से क्यों कथा सुने। कहते भैया ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन ये बड़े खोटे भी थे। वो छोटे नहीं थे, बोले क्यों, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। कहते ये कोई साधारण नहीं थे, बोले ये कौन है, बोले राधा रानी के जो निकुंज महल है, ये निकुंज महल में रहने वाले राधा रानी कभी कभी उनको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, ये तोता एकदम राधा रानी की गला की आवाज से बोलता था कृष्ण कृष्ण। कभी कभी राधा रानी इनको कृष्ण रूप मान करके इनको कभी कभी चुंबन करते थे, जब चुंबन करती थी राधा रानी की जो अधरा मृत ये तोते के थोंट में लगा हुआ, इसलिए अब राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा बोलो तो, अरे बोलो जोर से, हाँ इसलिए कहती ये राधा रानी, कहती ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा श्री राधा रानी, और जिनके थोंट में श्री राधा रानी की अधरा मृत लगा हुआ होगा वो जब कथा सुनाएंगे, कथा कैसे है बड़ी प्यारी बड़ी मीठी कथा, इसलिए वहां पर 88,000 ऋषि रहने पर भी कथा सुनते थे श्री सुखदेव गोस्वामी से ही उन्होंने कथा सुने। बोले श्री सुखदेव महाराज की, इसका आवाज और नहीं हो सकती है, और इसका मीठा थोड़ा बनाओ, इसमें मीठा नहीं, हरे कृष्ण। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब उन्होंने उन्होंने ये प्रश्न की, तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने इनकी प्रश्न सुनकर के बोले बड़ा सराहना किया, बोले बरिया ऐसे प्रश्न कृतलोक हृतम नृपम। बोले हे श्री परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है ना, बड़ा मधुर प्रश्न, बड़ा सुंदर तुमने प्रश्न किया, ये प्रश्न को जो आत्मा में जो रमण करने वाले जो ऋषि भी तुम्हारी प्रश्न को आदर करेंगे, बड़ा सुंदर तुमने प्रश्न किए। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी प्रश्न की उत्तर देंगे, हम एक भजन सुनेंगे, हमारे बीच में एक बाबा आए हैं बड़े मधुर स्वर में बड़े मीठी मीठी गला में वो भजन गाते हैं, उनका माइक दे दो, तो माइक है आपके पास में, हाँ हरी बोल हरी बोल, सर साउंड तेज कर, हरे कृष्णा बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तेरी बंसरी ने मेरा मन मोह लिया, नहीं छोड़ा मुझे किसी काम का। तेरी बंसरी ने मेरा मन मोह लिया, नहीं छोड़ा मुझे किसी काम का। ऐसी लागी लगन हुआ बावरा, मैं कन्हैया दीवाना हुआ बावरा।
मैं कन्हैया दीवाना तेरे नाम का, मैं कन्हैया दीवाना तेरा नाम का। तेरी बंसरी ने मेरा मन मोह लिया, नहीं छोड़ा मुझे किसी काम का। ऐसी लागी लगन हुआ बावरा, मैं कन्हैया दीवाना तेरे नाम का, मैं कन्हैया दीवाना तेरे नाम का। ओ मैं कन्हैया दीवाना तेरे नाम का, मैं कन्हैया दीवाना तेरे नाम का, नाम का। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की जय। मैं तो महाराज जी के चरण की रज की, उनके भक्तन की रज की बराबर नहीं हूँ। भगवान ने मुझे मान सम्मान दिया और उन्होंने मेरे मुखारविंद से पागल हूँ और उन्होंने मेरे को जाते देख लिया। मैं बहुत दूर से आता हूँ, इसलिए गुरुदेव को मालूम है कि वो निकल रहे। जय श्री राधे राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हम लोग थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ। एक एक माताएं, दो दो माताओं का जगह घेर कर बैठे, कोई पास में उसको फटकने नहीं दे रही। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ी थोड़ी आगे। सबके सब बर्फ जैसे जम गए, कोई आगे नहीं आना चाहता। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ सबके सब, थोड़ी थोड़ी आगे सबके सब, और थोड़ी आगे आ जाओ सबके सब, और थोड़ा आगे। हाँ हरे कृष्ण। हमारे भाई लोग भी थोड़ी थोड़ी प्रभु लोग आ जाए, हमारे प्रभु जी आगे आ जाए, थोड़ा 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 आगे आगे, थोड़ा जगह भर जाएगी, पीछे जगह खाली हो जाएगी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। खाली जगह मत रखो, बीच में भी सब बैठ जाओ सब। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश। हरे कृष्ण। हमारे बीच में एक दीदी है, इनका नाम ऐश्वर्या दीदी है। ये बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुनाती है। हम अपना घर में रहते हुए हम भगवान की भक्ति कैसे करें? जिस घर में भगवान की भक्ति होना कभी वो घर नहीं, शास्त्र कहता है वही वैकुंठ है, वही वृंदावन धाम है, जिस घर में भगवान की भक्ति हो। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे फिर क्या होगा? बच्चे लोग सब गलत रास्ता पर जाएंगे, शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, सिगरेटे फूकेंगे, फिर घर नहीं, घर को शमशान भूमि बना देंगे। इसलिए हम चाहते हैं आपका हर घर घर भगवान की धाम श्री वृंदावन बन जाए। वृंदावन कब बनेगा? जब सभी बच्चों को गले में तुलसी की कट्टी हो, सभी के हाथ में ठाकुर जी की माला हो, ललाट में तिलक हो, बस वही हरी वृंदावन, वही गरीब वृंदावन है। इसलिए हम चाहते हैं आपका घर वृंदावन धाम बने। इसलिए हमारे बीच में इधर आ रहे, इधर आ रहे। हमारे बीच में एक दीदी है, इधर आ। हमारे बीच में एक दीदी है, वो आपकी थोड़ी सी कथा सुनाएगी। हम घर में रहते हुए हम कैसे भगवान की भक्ति करें और भगवान की भजन कैसे करें, ये हमारी दीदी जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएगी। ओम अज्ञान त्रिमणादन से ज्ञानंजन शलाकया चशून मिलितमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। सपथम मैं अपने श्री प्रभुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने दिशा गुरु श्री भक्ति विधा माधव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके पश्चात मैं श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और समस्त उपस्थित वैष्णवगण और वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर चीज का निर्माण, छोटी या बड़ी चीज, उस सबका निर्माण कोई ना कोई करता है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, कोई सुई हो या कोई मेज़ हो, उसका निर्माण भी किसी ने किया होता है। और अगर कोई बड़े से बड़ा घर हो, आसमान को चूमने वाली बिल्डिंग हो, हवाई जहाज हो, तो उसके निर्माण के पीछे भी कोई ना कोई रहता है। तो फिर इस जगत का भी निर्माण किसी ने किया होगा। सोचिए कौन है वो जिसने हर फूलों में रंग बिरंगा रंग भरा
हर फूल में अलग अलग खुशबू भरी। हम इतने पेड़ पौधे देखते हैं और सब हरे रंग के होते हैं पत्ते, लेकिन आपने ध्यान दिया है हर पत्ते का रंग हरा रंग अलग होता है। हर पत्ती की बनावट दूसरे रंग से बनावट अलग होती है। किसने हर फूलों में हर फलों में इतना रस भरा है, हर सब्जियों को पौष्टिक किया है? कौन है वो जो राई के छोटे से बीज में इतना बड़ा विशाल बरगद किसने समा रखा है? ये चांद तारे ऊपर हमारे ऊपर उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन कभी हमारे ऊपर गिरते नहीं, तो कौन है इन सब का नियंत्रक? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मता, कि मेरे प्रभाव से अहम मेरे मैं ही हूँ इन सब का आध्यात्मिक और भौतिक जगत का को चलाने वाला। तो भगवान केवल चलाते ही नहीं है, पालन भी करते हैं उसको, उसका मेंटेनेंस भी करते हैं और डिजाइनर भी वही है। तो ऐसे श्री भगवान हैं। तो प्रश्न आता है कौन है वो श्री कृष्ण और कहाँ वो रहते हैं, कैसे वो सारी चीज़ों के नियंत्रक करता है और कैसे दिखते हैं, क्या स्वभाव है उनका? तो वो निराकार है या फिर वो एक स्वरूप है उनका, साकार रूप है? तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया है। हम लोग अगर कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं, अच्छे बहुमूल्य गहने पहनते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती हैं, सब मेकअप खराब हो जाता है। लेकिन जब भगवान शाम के समय गैया चढ़ाकर वन से आते हैं तो गोपियां मन में सोचती हैं बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिका, कि और वो ऐसे भगवान है, ऐसा रूप है उनका कि ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव गोस्वामी भी भक्त बन गए। बोलते हैं कैसे हैं, कैसे श्रेष्ठ नट हैं ये, कि क्या सुंदर इनका रूप है, बालों में मोर लगा रखा है, कानों में कनेर का फूल लगा रखा है, गले में पांच रंगों के फूलों की माला पहनी हुई है और वस्त्र है एक पीतांबर पहना हुआ है और अधरों पे बांसुरी लगा रखी है जिसमें बांसुरी के छिद्रों से श्री कृष्ण भगवान के अधरों का रस जा रहा है और साथ में ये गोप है जो नाच रहे हैं, कैसा सुंदर इनका रूप है। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान है सर्व आकर्षण भगवान, गोप बालक भगवान, नंद राजा के पुत्र और ब्रज के प्राणधन। गैया चराते हैं और मक्खन चुराते हैं, खुद भी खाते हैं, गोप बालों को बालकों को खिलाते हैं और साथ में बंदरों को की भी मौज उड़ाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान हैं, ऐसी मनोहर नल लीला करते हैं और उनके बारे में सारे वेद शास्त्र सब उनके बारे में श्री कृष्ण को भ्रम तत्व कहते हैं। संपूर्ण छठ ऐश्वर्यों के स्वामी हैं वो, अनादर आदि गोविंद सब कारण कारणम है वो। एता चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने भी हर युग में जो अवतार आते हैं वो भगवान के अंश हैं या उनकी कला है। श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही स्वयं भगवान है और ऐसे श्री भगवान जब स्वयं इस धरा में आते हैं तो हम सोचते हैं कि वो आते हैं यहाँ पे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवतिर्भावते, कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान आते हैं, या फिर हम सोचते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन भगवान आते हैं यहाँ पर उनके, ये उनका गौण कारण है, इसके एक मुख्य उनके पीछे कारण है आने का। श्री भगवान यहाँ पर केवल कंस को जीतने के लिए नहीं आते, वो यहाँ पर आते हैं हम समस्त जीवों के हृदय को जीतने के लिए, और जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रेम केवल जीतने के लिए। वृंदावन की मधुर मधुर लीलाओं को का आमंत्रण देने के लिए वो आते हैं, हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोने के लिए भगवान आते हैं। श्री कृष्ण के अतुलनीय सौंदर्य, अद्भुत उनका शौर्य और मनोहारी लीलाएं जो युगों युगों से सबको मोहित किए रखती हैं, उन्हीं लीलाओं को से हमारे हृदय को बांधने के लिए प्रभु इस धरा में आते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब लोग श्री कृष्ण के जन्म के इस विशेष शुभ अवसर पर उनसे प्रार्थना करें और अपने हृदय में भगवान को आमंत्रित करें।
हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम आपका पूर्ण आश्रय ग्रहण करते हैं और हमारे जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों और परेशानियों से हम जरा भी विचलित ना हो और आप हमारे हृदय में आए, हम बिल्कुल निष्कपट भाव से आपकी भक्ति में लगें। और जब हम ऐसे भगवान से साफ हृदय से प्रार्थना करेंगे तो भगवान ने जैसे वसुदेव की जो बेड़ियां थी, लोहे की बेड़ियां थी, उनसे उन्हें मुक्त किया, इसी तरह से भगवान हमारे हृदय को भी हमारे अनर्थों की बेड़ियों से मुक्त करेंगे। वांछा कल तरभ्यष्ट के पर समझे ऐसा पतितना कामे जो वैष्णव तुम। अरे हरि बोल, ये जो बेटी है ये हर हर शुक्रवार को 11 बजे हमारे जो 12 सेक्टर बारात महल के सामने जो 12 सेक्टर है, ये सब भक्त लोगों के लिए, जो विशेष करके लिया में जो सब माताएं लड़कियां हैं, इसको ठीक करो, ये में जो लड़कियां हैं उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे भजन करनी चाहिए, ये उनके लिए क्लास देंगे। इसलिए आप लोग कोशिश करना अपना बेटियों को अपना बच्चों को भेजे और कुछ भक्ति की शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ से कुछ गड़बड़ हाँ इसे खोलने से हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ, इसलिए भागवत में बताया जिसकी परिवार में एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान की शुद्ध भक्त बन जाए, उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। और जो पूर्वज लोग पहले चले गए, मतलब नृत्य स्वर्गे पितरी पितरे, जो स्वर्ग में चले गए पहले, वो हाथ उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? बोले हमारे घर में भक्ति करने वाला बच्चा जन्म ले लिया, जिस पिता माता से वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है, बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, और जो माँ वो बच्चे को जन्म देती है वो मैया की कोख भी धन्य हो जाती है, जिस वंश में एक बेटा भगवान की भक्ति करे। आपको पता होगा कलयुग में बच्चे कैसे गलत रास्ता पर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर प्रभु का भक्ति में आए ना, फिर ये बच्चे गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, फिर बच्चे पिता माता को आदर करेंगे, पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता का आदेश पालन करेंगे, फिर आपका घर नहीं आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा। कौन कौन चाहते हो घर आपके वृंदावन बने? सब चाहते हो ना? हाँ, हमारे बीच में और एक बच्चा है श्री मनमोहन। हरे कृष्णा, आपको थोड़ी सी कथा सुनाएं। हरे बोल हरे बोल हरे कृष्णा। आ जा 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 बोले श्री वृंदावन की जय श्री राम। हेलो वाले जी सर, हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै इत्यात्मने श्रीमते भक्तिवेदान्तशीलश्रीधरगोस्वामिति नाम्नि। वाञ्छाकल्पद्रुभश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के एक साथ एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश त्रिमूर्ति स्वामी शिष्य भक्ति वेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम अर्पण करता हूँ। गुरुदेव के आदेश अनुसार गुरुदेव ने कहा कुछ हरि कथा बताने के लिए, कथा बोलना क्या किसे बोलते मुझे नहीं पता, मैं बस एक अपनी छोटी सी बात जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। पता है जहाँ पे भगवान के बारे में वर्णन होता है, जो भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं उन्हें बोलते हैं वैष्णव, और यहाँ पे आप सभी लोग वैष्णव बैठे हैं, हम सब वैष्णव हैं, तो हम लोग एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, ये जगह क्या है, कौन बैठा है यहाँ पे, एक वैष्णव परिवार बैठा है, कोई अलग नहीं है कि कोई भैया किसी के चाचा होता हो फूफा, ऐसा नहीं, कौन बैठे हैं यहाँ पर, एक वैष्णव परिवार। उस परिवार में मैं एक छोटा सा बच्चा आप लोगों के सामने अपना एक छोटा सा गुरुवर्गों की कृपा से जो मुझे सीखने को मिला उसका एक विचार रखने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिनों से यह भागवत का कथा चल रही है, हम लोगों ने श्रवण किया कि हमें भजन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये भी कुछ लोगों को पता चल गया होगा, बहुत लोगों ने सुना, कल हमारे संजय प्रभु ने कथा सुनाई, उससे पहले हमारे अनिल प्रभु ने सुनाई, और गुरुदेव के मुखारविंद से तो हम निरंतर सुन ही रहे हैं। पर मेरे एक प्रश्न उठता है, क्या जो हम पद्धति अपना रहे हैं जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, हम ठीक ठीक रूप में उसको अपना रहे हैं या नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंसली अपना हाथ उठा करके कह सकते कि नहीं भाई, जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जिस पद्धति को मैं अपना रहा हूँ, ये एकदम 100% ठीक है, और जितना मैं कर रहा हूँ उतना ठीक है, कौन कह सकता है? एक है कुछ लोग जो कह सकते हैं। हम लोग कौन हैं? एक श्लोक आता है, लब्धः सुदुर्लभम् इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम् अर्थदम् अनित्य अपिहधीरः तुर्णम यतेत न पतेत अनुमृतम यावत निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। जैसे गुरुपाद पद ने भी बताया, श्रील परीक्षित गोस्वामी महाराज जी अपने अंतिम समय में बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई लास्ट समय में क्या करना चाहिए, इस मनुष्य देह की वास्तविक सफलता कहाँ है, वही इस श्लोक में बता रहे, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपिह धीरा। बोला एक ये ऐसा है मनुष्य जन्म है जिसमें केवल इसी जन्म में भगवान का भजन कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी में भी नहीं कर सकते। किसी ने देखा आज तक किसी कुत्ते को मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बैठते हुए हरि नाम करते हुए भगवान का भजन करते हुए? बाय चांस किसी कुत्ते के पिछले जन्म के अनुसार उसकी सुकृति हो, उसे भजन अपना याद हो, उसे भगवत अनुभूति हो, पर यदि वो भजन मंदिर में जाकर के भजन करने की सोचे तो लोग उसको बैठने देंगे? कोई नहीं बैठने देगा। अब यही बाहर भी कुत्ता आकर के बैठने लगा, अरे कुत्ता के भगाओ से यहां से, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोले एक ऐसा ही कि मनुष्य जन्म है जिसमें हम शांति से बैठ करके अपने दोनों कानों को भगवत सेवा में लगा करके हरि कथा श्रवण कर सकते हैं। पर क्या हम राइट मतलब सही तरीके से कर रहे हैं, हम अपना 100% दे पा रहे हैं भक्त ठाकुर जी के लिए? नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो हाथ उठा करके बोल सकते हैं? बहुत कम होंगे, आई होप कि होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकलता है, भिखारी का काम ही क्या होता है, भीख मांगना, निकलता है सुबह सुबह, उसकी सुबह सुबह एक भेंट होती है एक सेठ के पास, सेठ से, वो सेठ के पास जाता है, बोलता है मालिक मालिक कुछ भीख दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, अगर आप कुछ भीख दे दोगे तो पेट में अन्न चला जाएगा, कुछ शरीर में चुस्ती आएगी, उस ताकत आएगी। तो मालिक जो सेठ होता है वो सुबह सुबह उसको डांट देता है, बोले तुझे शर्म नहीं आती, बोले इतना हट्टा कट्टा शरीर है जैसे कि मेरा, बोले तुझे शर्म नहीं आती इतना हट्टा कट्टा शरीर लेकर के भीख मांगता है, मेहनत कर कमा खा, तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती?
तो वो सेठ के सामने हाथ जोड़ लेता है, बोलते मालिक भीख मांगना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कौन व्यक्ति भीख मांगना चाहता है, मैं तो खुद काम करके कमा के मेहनत करके खाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उस क्वालिफिकेशन के ना होने की वजह से कोई मुझे जॉब नहीं देता और बिना जॉब के मुझे पैसे मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन क्या करनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है। तो सेठ बोलता है चल तू चिंता मत कर, तुझे जॉब की तो चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तुझे अपने पास काम देता हूँ, मेरे लिए काम करेगा? बोले मालिक आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, आज से ही अगर आपने मुझे काम दिया तो मैं दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा। बोले चल तू काम छोड़, मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप देता हूँ। वो पहले तो अपने गाल पे खुद दो थप्पड़ मारता कि मैं आज सपना तो नहीं देख रहा हूँ सुबह सुबह, बोले भीख मांगने निकला था तो पार्टनरशिप ऑफर हो रही है। वो बोलते नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में मैं तुझे अपने बिजनेस में क्या करता हूँ, पार्टनरशिप ऑफर करता हूँ। बोलते मालिक कैसी पार्टनरशिप? बोले 10% और 90% का। बोले मालिक कैसे मजाक कर रहे हो? बोले मजाक नहीं कर रहा, बोले 10% का मालिक मैं और 90% का मालिक तू होगा मेरे बिजनेस में। बोलते मालिक अगर बेइज्जती करनी है तो सीधा दो चार गाली देगी, भीख नहीं देनी तो मना कर दो, क्यों इस तरीके से मेरी बेइज्जती कर दो कि पार्टनर बना रहे हो अपने बिजनेस में और फिर उसमें भी 50-50, 60-40 नहीं क्या 90 और 10%। बोले क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो, नहीं देना तो मना कर दो। अरे नहीं नहीं तू तो बुरा मान गया, सच में मैं तुझे अपने पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बोले मुझे करना क्या होगा, आपका कारोबार क्या है? बोले सुन मेरा कारोबार क्या है, चावल का मेरा कारोबार है, तुझे कुछ नहीं करना, बस वो चावल जाकर के मार्केट में सप्लाई करना है, उससे जो अर्निंग होगी उससे 90% तेरा और 10% मेरा, तू मुझे घर बैठे महीने की आखिरी तारीख को ला करके दे दियो। अब भैया उसके तो मौजा भी, बोले कहाँ मैं एक एक दो दो रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता था, अब मुझे करोड़ों का कारोबार मिला है उसमें भी 90% मेरा, वो कर दे। बोले मालिक आप चिंता ना करो, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा, आपका बिजनेस एक महीने में ही डबल। बोले अच्छा चल अभी से काम पे लग जा। तो काम पे लग जाता है, मालिक अपना घर जाता है, आराम से सोफे पे बैठता है, टेबल पे टांग रख के वेट करता है महीने की आखिरी तारीख का कि मेरा व्यक्ति आएगा मुझे मेरा 10% ला करके देगा। एक महीने होने वाला है, 3 दिन 2 दिन 1 दिन, आज वो लास्ट डेट है, मालिक सोचता है आज मेरा मुझे 10% मिलेगा, पर वो आता ही नहीं। मालिक सोचता लगता है ज्यादा काम के लिए डेडिकेटेड है, समय नहीं मिला होगा, शायद अगले महीने दे दे, ज्यादा मेहनत कर रहा है बच्चा, अगले महीने के लिए वेट करता है, अगले महीने भी नहीं आता। बोलते कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा मेहनत कर रहा है, अगले महीने दे देगा। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत जाते, बोले भाई इतनी मेहनत भी ठीक नहीं थी, भगवान को भी प्यारा बोले इतनी मेहनत तो नहीं कर रहा, कहीं जाके देखो तो सही कैसा व्यक्ति है, जिंदा नहीं है। उसके घर जाता है, गेट खटखटाता है, गेट खोल के देखता है सामने मालिक खड़ा है, उसके सामने उसका नौकर खड़ा है, पार्टनर खड़ा है 90% का। तो बोलता है भाई साहब पहचाना? तो वो क्या बोलता है पता है, आप कौन भाई साहब? अच्छा मेरा एक प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इतने सारे लोग हैं, कोई तो जवाब दे दो। बेईमान, धोखेबाज, नमक हराम। नमक हराम सही रहेगा ना, नमक हराम सही रहेगा। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नमक हराम। तो जब पूछता है कि भैया मेरा 10% कहाँ है, तो बोलता काय का 10%, कौन सा 10%, आप भाई साहब हो कौन? बोलता भाई भूल गया वो दिन। वो बोलता भूल गया वो दिन जब तू मेरे सामने कटोरा लेकर के आया था भीख मांगने के लिए, मैंने तुझे अपने पार्टनर उसमें बिजनेस में 90% का पार्टनर बनाया था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बोले फिर भाई कहाँ मेरा 10%? बोले वाह जी वाह, धूप में घूम करके चावल बेचूं मैं, सारी कमाई करके इकट्ठा रखूं अपने पास मैं, आपने कुछ करना है नहीं, घर बैठे बैठे आपको 10% दे दूं? भाई साहब आप हो कौन? मैं नहीं जानता, सारा का सारा 100% किसका होगा? मेरा। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नमक हराम। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट देखो क्या है, वो भिखारी कौन है? मैं, इट मीन्स हम सब। हम जब इस जगत में आए हमारे पास क्या था? कुछ था, कुछ नहीं। इस जगत से जाते वक्त हमारे पास कुछ होगा? कुछ नहीं।
यहाँ तक कि जो शरीर लेकर के आए, इस शरीर पे 1% भी हमारा कोई अधिकार, कोई हाथ उठा करके बोल दे नहीं भाई साहब, बचपन से लेके आज तक इतना बड़ा करा, ये शरीर किसका है? मेरा है। जिस परिवार में हम जन्म लिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, वो भगवान की देन थी या हम अपने आप चॉइस करके लेके आए कि नहीं भाई साहब मेरा ये परिवार होना चाहिए? किसकी देन थी? इतना सुंदर शरीर दिया, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे ख्याल से सभी स्वस्थ हैं, सभी के दो दो हाथ हैं, दो दो पैर हैं, सभी की दो आंखें हैं, कोई किसी प्रकार से कुछ डैमेज नहीं है। ये किसकी देन है? भगवान की देन है। हम जो सांस ले रहे हैं ये किसकी देन है? हम जो देख रहे हैं, इस आंखों में रोशनी जो दी है, ये किसकी देन है? हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, गुरुपाद पद्म के मुख से हमें कथा सुनने को मिल रही है, ये किसकी देन है? अब मालिक कौन हुआ? अब जब वो लास्ट के दिन में, अब ये सोचते हैं कि पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में जब भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि भाई मेरा व्यक्ति आकर के मुझे मेरा 10% देगा, देना बनता ही नहीं बनता? कितने लोग मानते कि हाँ भाई देना बनता है? अभी भी कुछ लोग हैं जिनके हाथ नहीं उठ रहे हैं। तो कितने लोग को लगता है कि हाँ भाई 10% देना चाहिए? 24 घंटे का 10% कितना होता है? 2 घंटे 40 मिनट, कंप्लीट 16 माला। 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट 16 माला हो जाती है। कितने लोग हैं जो हाथ उठा करके मुझे बता सकते हैं कि भाई हम 16 माला पूरी करते हैं? बाकी लोग क्या हुए? जो लोग नहीं करते वो लोग क्या हुए? तो क्या बने रहना है? वही बने रहना है या फिर अपनी गलती को सुधारना है? इसलिए मेरी प्रार्थना है, एक छोटी सी स्टोरी और सुना दो। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हरिनाम करते रहते हैं, हरिनाम है क्या वस्तु? बोले सिर्फ इसी जन्म में हरिनाम हो सकता है, और किसी जन्म में हरिनाम हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, अवेलेबल ऑप्शन ही नहीं है। बहुत दूर की बात है, छोड़ दो, लिस्ट में ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ आप किसी दूसरे जन्म में हरिनाम कर सकते हो। सिर्फ एक यही जन्म है जिसमें हम हरिनाम करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, तो कुत्ते बिल्ली जानवर हमसे बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं, बल्कि इतने सुंदर तरीके से कर रहे हैं कि उनके आपस में इस चीज को लेकर कलेश नहीं है। अगर कोई कुतिया ब्यान बांझ हो जाए तो कुत्ता उसे टोंट नहीं मारता कि तू तो बांझ निकल गई, कोई मारता है? पर एक अब कल्लन नई नवीली दुल्हन आई, उसके किसी तरीके से उसके भाग्य में नहीं है, तो संसार वाले उसे जीने देंगे? नहीं जीने देते। एक व्यक्ति तो किसी के पास नौकरी नहीं है, संसार वाले क्या बोलते हैं? छाती पे बैठ के खा रहा है। कितने ऐसे, सबको पता है, सबकी घर में सबके अपने अपने दुख है, सबको पता है, मैं बाहर निकालना नहीं चाहता, सबको पता है। पर कुत्ते अगर हम सिर्फ देखें कि खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना और मर जाना सिर्फ यही लाइफ है, तो कंपेयर करो अपने आप को और एक सड़क पे घूमने वाले कुत्ते को, एक सुअर से अपने आप को कंपेयर करो। चले गुरुदेव एक स्टोरी सुनाते हैं, बोले क्या, एक समय एक जज जा रहा था रास्ते में से, जज जाते हुए सामने से सुअर आ रहा था, सुअर ने बोला, जज ने बोला सुअर कहां से, सुअर की लात मार दी। अब सुअर का ईगो हर्ट हो गया, अब सुअर बोलते भाई साहब तूने मेरे लात क्यों मारी? बोले दिखता नहीं मैं जज हूं, सूट बूट पहन के खड़ा हो, तो कहां से आ गए यहां पे? वो बोले अच्छा अगर तू जज है तो मुझे बता तू मुझसे किस चीज में आगे है। बोले पूछ ले। बोले तेरी कितनी बीवी है? बोला एक। बोले पीछे देख 15-20 सूअर ये लेडी है ना, सारी की सारी मेरी बीवी है। बोले तो अपनी एक बीवी को खुश कर पाता है? बोले नहीं। बोले सारी की सारी मुझसे खुश है। एक बार एक व्यक्ति होता, उसके पड़ोस वाले ने कार खरीद ली, उसने नहीं खरीद पाया, उसके पास स्कूटर होता, उसकी बीवी बोलते देखो पड़ोस वाले ने कार खरीदी, हमारे पास आज भी स्कूटर है, तुम भी कुछ करके देखो, छोटा मोटा करके जुगाड़ करके कार खरीद लो। काफी दिनों से बोलते बोलते सोचता है आज कार खरीद के, तो झंझट ही खत्म। जाता है कार खरीदने के लिए, बोले सेकेंड हैंड खरीद लेते बजट है नहीं। जाता है कार खरीदने के लिए, देखता है एक मारुति 800 खड़ी है, पर उसके लिए ग्राहक बहुत सारे हैं। बोलते चलो देखते शायद मेरा तुक्का फिट हो जाए, मेरी किस्मत चमक जाए। उस कार की बोली लगनी शुरू होती है, उस कार की मैक्सिमम जो उसकी रेट होगा वो होगा 50,000।
उस कार की बोली लगनी शुरू होती है 30,000 रुपये। पहला व्यक्ति बोलता है 30,000 मैं दूंगा, पीछे से आवाज आती है भाई साहब इससे ज़्यादा मैं दे सकता हूँ 35,000। 40, 50, 60, 70 तक बात पहुँच गई। वो बोलते चलो कोई नहीं 80,000 अफोर्ड तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति बोल देता है 80,000। फिर कोई एकदम से आगे बोलता है मैं 1.5 लाख देने को तैयार हूँ। अब उसका माथा ठनक जाता है, बोले भाई साहब गाड़ी की कीमत 50,000 है पर नीलामी में पहुंच के 1.5 लाख तक, ऐसे गाड़ी के अंदर है क्या? उसके बगल में एक आदमी खड़ा हुआ होता है, बोलते भाई इस गाड़ी के अंदर एक अनोखी चीज है, पता है क्या? इस गाड़ी से 3 बार एक्सीडेंट हुआ है और 3 बार बेबी ही मरी है। तो व्यक्ति पता है क्या बोलता है? मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ। बोले ऐसे संसार में कलेश है। तो बोलता है कि तू अपनी एक वीडियो को खुश नहीं कर सकता, देख मेरी पीछे 15-20 स्टोरियां लेटी हुई, सारी की सारी क्या है मुझसे खुश है। बोले तेरे कितने बच्चे हैं? बोले एक लड़का एक लड़की है। बोले उनको बड़ा करने में पैदा करने में कितना टाइम लगता है? बोले 9 महीने 1 साल ऑलमोस्ट। बोले मैं 1 साल में 1 दर्जन बच्चे पैदा करता हूँ। जज का मुंह नीचे। बोले उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर खड़ा करने में तुझे कितना टाइम लगता है? बोले ऑलमोस्ट 25 साल तो लगती है, 12th तक पढ़ाई, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, एक्सपीरियंस, जॉब लगते लगते 25 के इस आराम से निकल जाती है। बोले 25 साल। बोले मैं अपने बच्चों को 6 महीने में अपने पैरों पे खड़ा करके अपने लायक खाने कमाने लायक उनको तैयार कर देता हूँ। बोले जब इतना सब होने के बाद रात को नींद आती है? बोले भाई साहब आप जज हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते होंगे, लोगों की जिंदगी मौत आपके हाथ में होती है, बहुत पैसा होगा, ऐसो आराम होगा, 4 सिक्योरिटी गार्ड आपके आगे घूमते होंगे, 4 सिक्योरिटी गार्ड आपके पीछे घूमते होंगे, इतना सब कुछ होने के बाद आपके घर में AC भी होगा, बहुत सुंदर बेड होगा, गद्दा भी होगा, आपको नींद आती है? बोले नहीं भाई साहब नींद नहीं आती मुझे। बोले देख पीछे जो कीचड़ है ना इस पर मैं ऐसे सोता हूँ जैसे अपनी जिंदगी का बादशाह। बताओ इस सुअर और जज की लड़ाई में कौन जीता? हम सब कौन, किस हमसे बेहतर कौन है? तो बेहतर रहना चाहिए, हमें बेहतर बनना चाहिए। अच्छा भाई जज उससे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता है। बोले ठीक है तूने इतनी सारी बात बोल दी, अब एक मेरा सवाल का जवाब दे। बोले क्या? बोले मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर सकता है? इस बात पे सुअर का मुंह नीचे हो जाता है, वो चुपचाप चला जाता है। बस एक यही पॉइंट है हमारा जिसमें अगर हम अपने आप में और जानवरों में देखें तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं, नहीं तो और चीजों में देखो तो जानवर हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अभी यहाँ पे सभी लोग बहुत बड़े सीनियर हैं, सभी जानते हैं, सबको पता है क्या करना है। अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करते हुए सभी हरि नाम करें, अपने जीवन को सार्थक बनाए। वांछा करके प्रभु कृपा सिंधु भैया जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री। हाँ देखो ये जो उन्होंने कथा सुनाई ना ये श्री सुखदेव गोस्वामी परिचित को यही समझा रहे हैं। बोले ये जीवन पाने का सभी सार्थकता है जब ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करे। अगर भगवान की भक्ति नहीं करे संसार का सारे कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाओ, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करना तो सबके सब जीरो। लेकिन पहले ही जीवन में कोई भी कर्तव्य आपने नहीं निभाया लेकिन केवल एक कर्तव्य निभा दिया वो भगवान की भक्ति कर लिया, समझो सारे कर्तव्य तुम्हारे निभ गया। इसलिए बताओ मीरा ने कौन सा कर्तव्य निभाया? मीरा को ऊपर में सब बिगड़े हुए थे, उसको पत्नी बिगड़ा था, उसको देवर भी, उसकी सास भी, उसकी ननद भी, सबके सब उस उम्र बिगड़े हुए थे। लेकिन वो क्या बोलते कि मेरे तो गुरुधर गोपाला दूसरा न खोल, वो केवल भगवान की भक्ति में टिकी रहेगी। इसलिए देखो दुनिया में अभी मीरा का ही नाम दुनिया में हो रहा है, सारा दुनिया मीरा की पूजा करती है। इसलिए सब कुछ काम करते हुए क्या करो इकोतरा कम करो, इसका इकोतरा कम करो। इसलिए सब कुछ करते हुए क्या करो भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
सच वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी क्या सर माइक क्या करते हैं, क्योंकि माइक चलाना आता है नहीं, वैसा आगे नहीं आता। हरे कृष्ण। हाँ तुमको चलाना ही नहीं आता, किसी अच्छे चलाने वालों कर ले कर जाना, बोले सेट करके जाए। हरे कृष्ण हरि बोल। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी ये सृष्टि का क्रम को वर्णना कर रहे हैं, बोले जब श्री भगवान की नाभि कमल से जब पितामह ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तो उन्होंने चारी तरफ में उन्होंने केवल पानी पानी चारी तरफ में देखा। अभी उनको पता नहीं चला मेरी सृष्टि कहाँ से हुई है। कल एक व्यक्ति को लेकर जाना था, तुम नहीं आना कल से। उन्होंने चारी तरफ में पानी पानी देखा तो उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुने त और उप। भगवान बोले तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की तब भगवान ने अपना बंसी ध्वनि के द्वारा उन्होंने उनको गोपाल मंत्र और उन्होंने दिव्य ज्ञान उनको प्रदान किया। बल्कि ये सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। ब्रह्मा सर्वप्रथम अपना मन से उन्होंने चतुस्तन को उन्होंने सृष्टि किया। बोले भगवान का निर्देश है ये सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, ये संसार बड़े दुखमय। ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया। भगवान का निर्देश है संसार का क्रम बढ़ाओ, सृष्टि का पहला तुम हो और तुम संसार करना नहीं चाहते हो। तब उनको भ्रूर से श्री रुद्र श्री शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी को भी आदेश दिया, संजी सुंदर देख लो तो उसको कुछ नहीं आता है, बेकार यहाँ पे तुम छोड़ देखो जब तू तो उधर जाओ। हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने पितामह उन्होंने ब्रह्मा जी की ललाट से श्री रुद्रदेव प्रकट हुए। शंकर जी को भी आदेश दिए। शंकर जी बोले भैया ये घर गृहस्थ में मेरे कोई इच्छा नहीं। शंकर जी ने देखा अगर मैं बड़े भाई जैसे बोल दिया ना हो ना हो पिताजी मेरे को अभिशाप नहीं देते। उन्होंने बोले ऐसे सृष्टि करो जैसे पिता अपने आप मना कर दे। शंकर जी भूत पिशाचों को उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई सृष्टि ना कर रहे हो ना संहार कर रहे हो, जरूरत नहीं ऐसे सृष्टि करने का। शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर परछाई से उन्होंने श्री कर्दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने 10 संतान और श्री ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और उन्होंने सत्वरूपा को उन्होंने सृष्टि किया। यही मनु और सत्वरूपा से ये धीरे 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 ये सृष्टि का क्रम बढ़ा। इसलिए हम लोग श्री मनु महाराज से हुए इसलिए हमको ये मानव कहलाते हैं। मनु महाराज सर्वप्रथम उन्होंने 2 बेटे और उन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया है। 2 बेटे में कौन, बोले एक उत्थान पात प्रियव्रत और 3 बेटी आकुति देहूति और प्रसूति। उन्होंने 3 कन्या को उन्होंने जन्म दिया। यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है। जब श्री कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की इनकी तपस्या में भगवान इनको दर्शन दिए। बोले बताओ क्या वर चाहिए, बोले प्रभु आपके चरण में हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले और क्या चाहिए बताओ, बोले आपकी इच्छा है ये संसार का क्रम धीरे धीरे बढ़े। बोले हाँ। बोले मैं आपकी इच्छा को जान करके शादी कर सकता हूँ लेकिन मेरे 2 शर्त है। बोले क्या शर्त है, बोले पहला शर्त है तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त क्या है, बोले अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना फिर तो मैं शादी करूंगा। भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारी बेटा ही बन करके आऊंगा। इतने में कर्दम ऋषि की जो शादी ये माता देवूति को साथ में शादी हो गई। लेकिन उसको बाद में फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठ गए। फिर माता देवती
अपना पति व्रता धर्म को जाजन करते हुए उनने पति की बड़ी सेवा की। बोले कितना हजार साल तक? बोले 10,000 साल तक। उन्होंने इसका साउंड करते हैं, इसलिए उन्होंने 10,000 साल तक उनकी सेवा की। जब 10,000 साल के बाद में इनकी आंख खुली, इन्होंने ये भूल गए मैंने कभी शादी किया हुआ। सामने देखा है कि टोकरी बैठी हुई है और उनकी जटा जूट है। करदम ऋषि ने बोले तुम कौन हो? बोले आपने कभी शादी किया अब भी याद है? बोले ओ तू वही देहूती? बोले हाँ मैं वही देहूती हूँ। लेकिन उन्होंने पति की सेवा करते 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 उन्होंने भूली हो गई, क्योंकि पति भोजन नहीं कर रहे हैं। जब पति भोजन नहीं कर रहे फिर पत्नी कैसे भोजन करेगी? अभी पति भजन में बैठे हुए, इसलिए उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं की। अगर 10,000 साल तक केस को धो नहीं और उसको सवार नहीं तो क्या होगा? उसमें जटाजूट हो गई है, उसमें जटाजूट हो गई। यहाँ पर माता देवती शिक्षा देती हैं। देखो जब हम लोग अपना गांव में थे ना, हम देखते थे माताओं को दीन में श्रृंगार करते हुए। माता को हमने देखा नहीं, हमने देखा माताएं जो श्रृंगार करती थी शाम को। बोले क्यों? बोले स्त्रियां क्यों श्रृंगार करती हैं? पति के लिए ना, पति देखे इसलिए तो श्रृंगार करती हैं। लेकिन दिन भर तो घर में पति नहीं, पति तो काम के लिए गया, पति तो शाम को आएगा। इसलिए मैंने देखा माताएं वो श्रृंगार करती थी शाम को। क्यों पति? क्योंकि पत्नी का जो श्रृंगार है सुबह केवल पति के लिए और किसके लिए नहीं। इसलिए हमारे भारतीय जो संस्कृति है, माताएं सर पर कपड़े ओढ़ती है ना, माताएं सर पर कपड़े ओढ़ती है। क्यों ओढ़ती है बताओ? कहते हमारी जो सुंदरता है वो और किसी पुरुषों के लिए नहीं है, हमारी सुंदरता केवल हमारी पति के लिए और दूसरे के लिए हमारी सुंदरता नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति है माताएं सर पर कपड़े ओढ़ते हैं। इसलिए आप भी सर में कपड़े जरूर ओढ़ना। हम लोगों ने कभी हमारे जो क्या बोलते हैं सिखों का जो मंदिर है आप लोगों ने कभी गुरुद्वारा में गए हो? कौन कौन गुरुद्वारा में गए हो? हम लोग देखना, माताओं का बात छोड़ दो, वहां पर जो प्रभु लोग पुरुष लोग भी जाते हैं ना, वो खाली कपड़े से नहीं जा सकते। वहां पर रुमाल रखा पाता है, वो लोग भी अपना सर के ऊपर में रुमाल से ढक करके तभी अंदर में जाते हैं। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, ये बहुत अच्छी संस्कृति है। और तीसरी चीज देखो, कभी भी केस को खोल करके नहीं रखनी चाहिए। केस को कभी खोल करके, आप लोगों ने देखा कभी आपको माताएं कभी केस खोल करके तो कोई रखते थे? आप लोगों ने देखा है? बोले क्यों? शास्त्र में बताया ये केस को कौन खोल कर रखते हैं? बोले दो व्यक्ति, एक विधवा एक वेश्या, ये पुराण में बताया है। यही अपना केस को खोल कर रखती है और कोई केस को खोल कर नहीं रखते। इसलिए ये हमारी भारतीय ये संस्कृति है। इसलिए उन्होंने देखा पत्नी बुरी हो गई, क्यों? पति की सेवा करते 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 उसने, क्योंकि भारतीय स्त्रियों के लिए पति ही इनकी परमात्मा, पति ही इनकी परमात्मा है। देखो पति सेवा की कितने महत्व। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया? आपने बताया था ना अगर भगवान बेटे बन करके आएंगे तो शादी करेंगे? बोले हाँ। बोले भगवान तो बेटे बन करके आए ही नहीं। बोले जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करो, और स्नान करते ही वो पहले जितने सुंदरी थी ना, उससे और भी ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। हजार दास दासियां वहां प्रकट हुई। और श्री करदम ऋषि ने एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम था कामक विमान। कामक विमान मतलब जिसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं, और जिसमें जो बैठेगा ना वो कभी बूढ़ा कभी बूढ़ी नहीं होगा। हर समय 6 ऋतु एक साथ में प्रवाहित होती हैं। जहां पर सुंदर राज महले हैं, जहां पर सुंदर सरोवर, जहां पर 4 तरह का कमल खिले हुए, जिसमें राजहंस क्रीड़ा करते हैं, जिसमें बेली चमेली जूई केतकी मालती सुंदर फूल जिसमें खिले हुए, जिसमें हर तरह का फल जिसमें है, अद्भुत उन्होंने विमान को उन्होंने सृष्टि की और उसको पर बैठ करके उन्होंने आकाश में भ्रमण करते रहे। उनको अपूर्व सुंदर नौ उनको बेटी हुई।
करदम ऋषि ने कहा देवूति अभी तो तू खुश हो गई होगी क्योंकि तुमको नौ नौ बेटी हो गई, अभी तो खुश हुए ना। बोले भगवान बेटे बन करके आने आप वरदान मांगे थे कि नहीं? बोले हाँ। बोले ठाकुर तो बेटे बन करके आए ही नहीं। तब श्री माता देवूति करदम ऋषि की जब सेवा की, स्वयं ठाकुर जी श्री कपिल बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की। जब कपिल बन करके आए, लेकिन उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा था जब तक संतान नहीं हो जाएगा तब तक घर में रहूंगा, उसको बाद में फिर मैं भक्ति करने चला जाऊं। अभी तो घर में बच्चे हो गए, फिर पिताजी को भजन करने के लिए जानी चाहिए, लेकिन घर में नौ नौ बेटी है। आप लोगों ने बेटियों को शादी दिलवाए होंगे, कौन कौन बेटियों को शादी दिलवाया? देखना जब एक बेटी को शादी दो ना, घर खाली हो जाती है, घर खाली हो जाती है। इनके पास में नौ नौ बेटी है। अब ये नौ बेटी को शादी, पिता का पहला कर तो बेटियों को शादी दिलाए, लेकिन एक बेटी को शादी देना कितना कठिन, नौ नौ बेटी। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आपकी मन में इच्छा हो भक्ति करने के लिए ना, ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं। एक दिन पितामह ब्रह्मा, उन्होंने नौ बेटे को साथ में, उन्होंने ये करदम ऋषि को साथ में मिलने के लिए आए। देखा इनके नौ बेटे हैं और इन नौ बेटी और इनकी नौ बेटे। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य जल्दी कर दो। उन्होंने नौ बेटियों को एक साथ में उन्होंने शादी करा दिया, घर खाली हो गया। घर में अभी तीन व्यक्ति है। अभी श्री करदम ऋषि भजन करने के लिए चले गए। बोले क्यों भजन के लिए, किसको भजन के लिए जा रहे? बोले भगवान को। बोले भगवान तो तुम्हारे घर में बेटे रूप में भगवान तुम्हारे घर में बैठे हैं, फिर तुम भजन के लिए किसको जा रहे हो? यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं करो, अगर भगवान भी तुम्हारे सामने हो, तुम्हारी कोई लाभ नहीं। जैसे रावण ने राम को भी देखा है, लेकिन क्या किया? भगवान से युद्ध किया। कंस भी कृष्ण को देखा, देखा कि नहीं? देखा, लेकिन उन्होंने कृष्ण को जिंदगी भर मारने के लिए उन्होंने कोशिश की है। इसलिए अगर भक्ति नहीं हो, भजन नहीं करोगे, अगर भगवान तुम्हारे सामने भी हो ना, तुम्हारी कोई लाभ नहीं है। इसलिए उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। घर में एक बेटा और माँ रह गया। बेटा, माँ को पता मेरा बेटा भगवान है। एक दिन स्वयं श्री माता देवूति अपना बेटे श्री बेटे को पास में आकर के, तो बेटा मैं स्त्री जाती हूँ, हमारा मन बड़ा चंचल है, बताओ ये चंचल मन को हम भगवान की भक्ति में कैसे लगाएंगे? तो भगवान अपना माँ को उद्देश्य करके उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने अपना माँ को ज्ञान की बात बताई। बोले माँ ये जो मन है, कहते हमारी 11 इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां में राजा कौन है? बोले ये मन है। ये मन ने कहा चलो भागवत कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आएंगे। देखना सारे इंद्रियां आकर के यहाँ बैठी होगी। अगर ये मन बोलता अरे कथा में जाकर क्या होगा, बेकार है, घर में बैठ बैठ कर टीवी देख लो ना। देखना सारे इंद्रियां तुम्हारी वहीं पर बैठ जाती, कथा में कोई नहीं आती। इसलिए बोले माँ ये जो मैन है, मुख्य है ये मन है, यही मन ही मुक्ति का कारण, यही मन ही बंधन का कारण। जब ये मन को प्रभु के चरण में लगा दोगे, यही मन मुक्ति के कारण बन जाएगा। इसलिए माँ ये मन से भगवान की भक्ति करो, मन को भगवान की भजन में लगाओ। एक बार हाथ उठा करके सबके से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बेटा तुमने तो बता दिया भजन करो, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन तो बड़ा चंचल है, ये चंचल मन को भजन में कैसे लगाएं? बोले माँ सबसे सरल उपाय है, भक्तों का तुम संग करो। अगर तुम संतों का संग करोगे,
उनके संगम में मेरी जो कथा होती है, अगर तुम कथा को अगर तुम श्रवण करोगे, ये मन अपने आप भजन में लग जाएगा। इसलिए संतों की संग करो, फिर भगवान अपना माँ को ये सृष्टि की कथा बताते हैं। बोले माँ, ये जो मानव शरीर है, ये बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है। ये मानव शरीर मिलता है कैसे? बोले मृत्यु के बाद में ये जीव को भेज देते हैं चंद्रलोक में। चंद्रलोक में ये जीव ये चंद्रमा का किरण को देख करके किसी फल को वो आश्रय ग्रहण करता है, और कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ रहता है। जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा वो वही फल ही खाएगा। जब जीव वो फल खाते हैं, वो अंदर में जाकर के यही खून बनता है। फिर खून बनने के बाद यही बनता है रेत, मतलब यही बनता है वीर्य। फिर पति पत्नी के मिलन होने पर फिर ये जाकर के ये जीव पत्नी के गर्भों को ये आश्रय ग्रहण करता है। और इसी में भी हजार जीव होते हैं, उनको अंदर बड़ी लड़ाई होते हैं। लड़ाई होकर के लास्ट में केवल एक जीव रहता है, एक जीव रहता है। वही जीव ही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जब उसको 7 महीना हो जाए उसको ज्ञान आता है। पूर्व पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म करते करते करता है वो सारे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। सब कुछ उसको स्मरण होता है। वो देखता है मैं कहाँ नरक में आ गया। बोले हे ठाकुर जी, मेरे को ये नरक से जल्दी निकाल दो। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे। बोले प्रभु मैं समझ गया हूँ, संसार में कोई किसी का नहीं, एक बार केवल अगर ये मानव शरीर दे दोगे, उठते बैठते सोते तेरे नाम ही लूंगा, तेरा ही भजन करूंगा। बोले सही बता रहे हो। बोले प्रभु सही बता रहा हूँ, कभी तेरे को भूलूंगा नहीं। बोले अगर तुम भूल जाओगे ना, फिर मैं 2 बार संत रूप में आऊंगा, फिर तुमको समझाऊंगा। बोले प्रभु अगर एक बार मेरे को समझा दो, फिर तो उठते बैठते सोते तेरा ही भजन करता करूंगा। कहते माँ, अगर ये मानव शरीर पा करके जीव भगवान की भजन नहीं करे उसको बड़ी दुर्गति मिलता है। कहते मरने का बाद हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाच्य को द्वारा करते हैं, जमदूत गले में रस्सी डाल करके उनको घिसटते घिसटते हुए गर्म रेतियों को ऊपर ले जाते हैं, और उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है। अब देखना मरने का बाद एक गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुने हो, कौन कौन गरुड़ पुराण सुने हो? उसमें ये सारी बात वर्णन आई है। मरने का बाद 13 दिन बाद में हम लोग श्राद्ध क्रिया करते हैं। बोले 13 दिन बाद में क्यों करते हैं? बोले वो जीव को ये बैतरणी नदी पार करने के लिए 13 दिन लग जाती है। बोले ये बैतरणी नदी किस चीज में बनी हुई होती है? बोले टाटी पेशाब खून और पीक से बना हुआ होता है, और उस ऊपर से कोड़े मार मार कर उसको पार करवाते हैं। देखना जो व्यक्ति जीवन में बड़ा कष्ट भोग करते हुए प्राण छोड़ता है, हम क्या कहते हैं? बोले भैया उसने बड़ा पाप कर्म किया है, इसलिए इतना दिन तक पढ़ा रहा, उसको नाम पर गैया दान दे दो, उसका पूछ पकड़ करके वो जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। इसलिए कहते माँ, कहते ये बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ता है? ध्यान देकर सुना, ये बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ता है? बोले जिनकी गले में ये तुलसी की कंठी नहीं, जो ये तिलक नहीं लगाया, और जो व्यक्ति ये भगवान के नाम नहीं जप करता है ना, वही लोग ही ये बैतरणी नदी पार करेंगे। लेकिन जिनकी गले में तुलसी की कंठी होगी, जो तिलक धारण करेंगे, जब महाराज जब दूत को कहते हैं, बोले खबरदार जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मेरे पास में मत लाया करो। बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है कि नहीं करता है? बोले उनको शरीर में तुम 3 चिन्ह देखोगे। बोले वो 3 चिन्ह क्या है? बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले पहला लक्षण देखोगे, गले में कंठी होगा, तिलक होगा, और भगवान के नाम जप करते हुए होंगे। अगर देख लेना उनको पता चलेगा ये भगवान की भक्ति करते हैं। जब उसको फिर उसको जा करके 84 नरक में फिर उसको भोगना पड़ता है, दुख कष्ट भोगना पड़ता है। जो जैसे जैसे कर्म किया
जिन लोगों ने इनकी आंखों में गंदी गंदी मूवी देखी उल्टा पुल्टा, उनको जिंदा जिंदा आंख निकाल लेते हैं। जो ये जीवा में झूठ बोले, शराब पिए, उसको गरम लोहे करके उसको मुंह में डालते हैं। जो इन्हीं हाथों में हेर फेर किया है उसको हाथ काट देते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट उसको भोगना पड़ता है। जो मांस खाए उनको जिंदा जिंदा करते में उसको काटते हैं। जो रोसई किया उसको भी एकदम खौलते हुए तेल में जैसे पकौड़ा बनाते हैं उसको ऐसे पकौड़ा जैसे उसको छांक देते हैं। जब उन्होंने फिर जब वो शुद्ध हो जाता है वो जीव है, इसलिए भगवान कहते हैं मां भले ही किसी कुल में वो व्यक्ति क्यों जन्म नहीं हो, भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। भले ही ऊंचे से ऊंचे कुल में जन्म ग्रहण किया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करती है माता, वो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति है। जो मूल है भगवान की भक्ति। इसलिए हे माँ, ये जीवन पा करके, जीवन पाने का तभी सार्थकता जब ये जीवन पा करके हम भगवान की भक्ति करें। इसलिए माँ ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान अंतिम उपदेश दे करके भगवान चले गए। बोले कहाँ? बोले भगवान गंगा सागर में चले गए। जो लोग गंगा सागर गए हैं, साल में एक बार ठाकुर जी का दर्शन होता है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान कहते माँ ये कलयुग में ये भवसागर से पार होने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम जप करना। जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं आसानी से ही ये भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग आज 5 मिनट भगवान के नाम जप करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी का नाम ही है। भागवत का ये सार है। किसको किसको पास में माला है? हाथ उठाओ तो। किसको किसको पास में माला है? हाँ देखो, जिन जिनियों के पास में माला है आप लोग तो माला में नाम जप करते हैं, लेकिन जिन जिनियों के पास में माला नहीं आप लोग मेरे साथ में आप लोग जप करता। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हो? एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका निमंत्रण है प्रसाद। भगवान ने कहा देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति होगा, जो लखपति होगा उसको घर में भोजन करता हूँ। उसी समय लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो कहते हो जो लखपति होगा उसके घर में भोजन करोगे, अरे हमारे घर में आप भोजन नहीं करोगे। अरे भगवान ने कहा देखो असली लखपति कौन है? बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। जो 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जितने भक्त लोग हैं वो सबके सब कोशिश करते हैं जैसे सारा दिन में हमारी 1 लाख हरिनाम हो जाए। बोले 1 लाख हरिनाम नहीं, जो रोजाना 1 लाख हरिनाम करते हैं
उनको नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो जाता है। आप लोग मेरे तरह में देखो, आप लोग लखपति कैसे बनोगे? देखो ये जैसे माला है, ये माला में 108 मोती है। कितने मोती है? 108 है। जब ये माला हम जप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके हम एक मोती सरकार करते हैं। फिर दो बार बोल करके मेरे साथ साथ बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम दो मोती सरकाते हैं, ऐसे तीन मोती सरकाते हैं। देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना बार हो गया? 16 बार हो गया है। जब एक बार नाम क्या 16 बार हो गया, और इसमें 108 मोती है। जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, ध्यान देख रहे देखो, जब यहाँ पर ये समाप्त हो जाए, ये अंकुल को इसको पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बीच में ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, और ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। मानो बीच में राधा कृष्ण को रख करके ये रास कर रहे हैं गोपियां, इसलिए यहाँ पर समाप्त होने पर इसको ऊपर में इसको पार नहीं करनी चाहिए, फिर इसको घुमा करके फिर दूसरे तरफ से नाम करनी चाहिए। इसलिए अगर हमने इसे 16 माला कर लिया ना, वो हो गया कितना 25,000 नाम हो गया। अगर हमने 64 माला कर ली, हो गया 1,00,000। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, तुमने 1,00,000 नाम नहीं किया, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा? इसलिए मीरा कहती हैं, दिन दिन बढ़त तबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम किया, कल आपको 1,25,000 मिलेगा, और 4 दिन में 2,00,000 हो जाएगा। ये ऐसे के था नहीं, ठीक है। देखो अभी कुछ माला हमारे पास में है, जिन जिनियों के पास में इकट्ठा कर दो, जिन जिनियों के पास में ये माला नहीं, आपको हम एक एक माला देते हैं जप करने के लिए, लेकिन ये लेने के लिए नहीं, ये जप करने के बाद हमें फिर वापस दे देना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे जब तक कथा होगी एक एक माला जप करने के लिए, आप मेरे को वापस दे देना, ठीक है। इसलिए अभी ले जाओ तो माला दे दो, एक दो बच्चों को दे दो, एक 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 दो व्यक्ति को पकड़ा दो, फटाफट दो, जिनको पास में माला वो मत ले, जिसको पास में माला नहीं वही लोग ही ले, और माला जब करने के बाद मेरे को वापस देना, कोई लेना नहीं। फटाफट दो, thank you।
ये बच्चों को मत दिया करो, किसी बच्चों को मत दो। और ये माला कोई लेना नहीं, पाप लगेगा ये माला ले लोगे तो। कथा ये जब करने के बाद ये माला मेरे को वापस देना सबके तो, कोई ये माला लेना नहीं। सबके सब आंख बंद कर लो, हरे कृष्णा। सबके सब आंख बंद कर लो, समझो हम वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरण में हम बैठे हैं। और सबके सब हरि नाम करना, जिन जिनियों को पास में माला गया उनको तो करना ही है, और जिनको पास में माला नहीं है उनको भी करना, क्योंकि जो लोग हरि नाम करेंगे उनका पाप उनके सर के ऊपर से उठ जाएगा, लेकिन पाप जाकर बैठेगा कहाँ पर, जो हरि नाम नहीं करेगा। इसलिए सबका पाप उसके सर पर बैठेगा जो हरि नाम नहीं करेगा। इसलिए देखो हम लोग तो एक माला जप करेंगे, करी करी हम लोग यहाँ पर कितने लोग भक्त हैं, 300-400 भक्त हैं, लेकिन माला तो करोगे एक, लेकिन कितने माला करने का फल मिलेगा, बोले 400 माला करने का फल मिलेगा। क्यों? जब सबके सब हरिनाम करेंगे सभी की आवाज सभी की काथा में जाएगा। इसलिए अगर 400 लोग हरिनाम करेंगे, इसका जो शक्ति है ना, जितने दूर तक इसकी आवाज जाए, जितने तरह का दुख कष्ट अमंगल सबके सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सबके सब मेरे साथ में सबके सब करो, सबके सब करना, नहीं तो सब पाप आपका सर पर बैठेगा। सबके सब मेरे साथ में करना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मुद्र करकेगा, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माला पूरी हो गई ना? हाँ, सबके सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, सबके सब पाप लगेगा, कोई भी एक माला लेना नहीं। जिनको इच्छा होगा हरिनाम करने का, मैं परसू और तरसू दो दिन जन्माष्टमी, परसू और तरसू जिसकी इच्छा होगी हरिनाम लेने की, उसी दिन हम हरिनाम देंगे। और जो लोग पहले हरिनाम लिए हैं लेकिन पूर्ण दीक्षा नहीं लिए, गोपाल मंत्र नहीं लिए, आप लोग परसू अगर सवेरे खाली पेट में आओगे, जो केवल हरिनाम लिए गोपाल मंत्र नहीं लिए आओगे, तो आपको उसी दिन गोपाल मंत्र भी देंगे। सब कैसे माला को वापस दे दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, इनको माइक दे दो, माइक।
हमारे अतुल अतुल प्रभु जी कहाँ हैं? अतुल कृष्ण प्रभु जी, अतुल कृष्ण प्रभु है, बुला दो अतुल प्रभु जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, 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 राधे श्याम,
मुझसे भी ज्यादा जोर से बोल के दिखाना, सब लोग बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे
एक बार जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 बहुत धन्यवाद। देखो ये जो बच्ची ने छोटी बच्ची ने अभी भजन गाया ना, ये हमारे गुरुजी का बहुत प्रिय भजन जो थे उनमें से एक भजन था, तो एक बार इस बच्ची के लिए जरूर ताली बजाएं। बाहर वाले सभी लोग भी बजाएं। और ये संगीत में ये आचार से क्या कर रहे हैं, संगीत में क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोर्स का नाम पूछ रहे हैं महाराज जी। ये विद्यालय में जाकर संगीत सीख रहे हैं और जन्माष्टमी का दिन भी ये लोग बड़े सुंदर सुंदर, पिछली बार आप लोग देखे होंगे इनकी मैया, इनकी बहन, इनकी पूरा परिवार बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकार हैं और जन्माष्टमी का दिन ये बड़े सुंदर सुंदर आपको लीला दर्शन कराएंगे। अच्छा मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, एक दो अनाउंसमेंट हैं। एक तो कल हमें एक TVS मोटरसाइकिल की शायद वो चाबी है वो हमें मिली है, एक चाबी TVS मोटरसाइकिल की हमें मिली है, तो जिस किसी की भी हो वो या तो मुझसे ले सकते हैं या बाहर जीत प्रभु से पहचान बताकर ले सकते हैं, जिसकी हो वही लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मेरी आपसे हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना है, बच्चों को लेकर आप सभी बच्चों को ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आज तो बल्कि हॉल पूरा फुल है, बाहर भी पूरा फुल है, बैठने की भी जगह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा जरा बच्चों को समझा के लाएं आप कि बाहर एक तो सड़क पर ना निकलें, क्योंकि ये सेक्टर की मेन रोड है, सारा ट्रैफिक इधर से ही एंटर करता है और बाहर कंकड़ पत्थर का थोड़ा सा काम हो रहा है, तो एक तो वो नहीं लगना चाहिए उनके पैर में, और दूसरा यहाँ वो प्लास्टिक के ग्लास और पानी का दुरुपयोग ना करें, उन्हें फैलाएगा, ये थोड़ी सी हमारी आपसे प्रार्थना है। बच्चों को भी समझाएं कि कथा को थोड़ी देर को सुने, 15 मिनट कहानी सुनाएं या 15 मिनट कीर्तन तो सुने, ठीक है, तो इसमें आपके बच्चों की सुरक्षा भी है, हम नहीं चाहते किसी का भी बच्चे को किसी भी तरह की जरा सी भी चोट लगे, केवल उसी को ध्यान लेके हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना। इसके अलावा एक और बहुत ही मुख्य प्रार्थना है मेरी, बहुत ज्यादा प्रार्थना है, वो तो हाथ जोड़ के मेरी खास तौर से दीदियों से माताओं से बहुत ज्यादा प्रार्थना है और पूरी हम सभी जितने भी कार्यकर्ता जितने भी सेवक लोग हैं उन सभी की तरफ से प्रार्थना है। देखिए जितनी भी यहाँ व्यवस्था है ना, ये सब व्यवस्था आपके लिए है, चाहे लाइट है, साउंड है, ये कारपेट है, ये चेयर है, प्रसाद है, पानी है, सब आपके लिए है, कोई भी यहाँ से इनमें से कुछ भी नहीं ले जाएगा, पहले आप लोगों के लिए है, उसके बाद बाकी के कार्यकर्ताओं के लिए है। तो प्रसाद के समय मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप थोड़ा सा लाइन से लीजिए, एक दूसरे को धक्का मुक्की मत कीजिए, लाइन लंबी है तब भी मैं गारंटी से कह रहा हूं, लाइन कितनी भी लंबी है, कितनी भी माताओं की लाइन लंबी है, 20 से 25 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है हम लोगों को प्रसाद बांटने में, इतना एफिशिएंट टीम है हमारी, आप देखते होंगे खुद भी जब लेते होंगे कोई भी आदमी 30 सेकंड से ज्यादा वहां खड़ा नहीं रहता है, फौरन अगले काउंटर पे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट सिर्फ प्रसाद बटना है, उतनी देर आप हमारा सहयोग करें, और 25 मिनट से किसी को 26 मिनट लगे तो मेरे पास आ जाना, यदि मुझे देर हो गई है मुझे प्रसाद दिलाओ, हम अलग से दिलवाएंगे उसे, ठीक है, पर थोड़ी सी हमारा सहयोग कीजिए। अगर आपको समस्या नहीं है, कोई वृद्ध नहीं है, तो लाइन में आराम से खड़े होइए, धक्का मुक्की मत दीजिए, और खास तौर से दीदी और माताओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भैया लोगों से भी यही प्रार्थना है कि वो पीछे वाले गेट से जाएं और दीदी लोग आगे वाले गेट से लगाएं। अगर आपको लग रहा है लाइन लंबी है तो यहाँ हॉल में जो AC चल रहा है थोड़ी देर AC में बैठिए और उसके बाद फिर से लाइन में लग जाइए, आपको प्रसाद जरूर मिलेगा, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि साहब बिना प्रसाद के जाएं, बहुत व्यवस्था है हमारे पास, ठीक। एक और बात, कल मैंने आपको जन्माष्टमी के बारे में बताया था, कितने लोगों को याद है जन्माष्टमी कब है, कब है, फ्राइडे 23 तारीख शुक्रवार को यहाँ पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, 24 तारीख को जन्माष्टमी का कार्यक्रम यहाँ नहीं है, 23 तारीख फ्राइडे, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बार बार क्यों समझा रहा हूं, देखिए जैसे आपके बच्चे का घर में बर्थडे होता है सभी लोग मनाते होंगे थोड़ा बहुत किसी ना किसी स्तर पे,
कितने दिन से प्लानिंग होती है? बच्चा कहता है जी मेरे ये दोस्त आएंगे, आप प्लान करती हैं, ये बनाऊंगी, ये बाजार से लाऊंगी, है ना। ऐसे हस्बैंड से कहेंगी कि नहीं ये सामान बाहर से लाओ, ये कागज की पट्टी लगाओ, ये गुब्बारा लगाओ। तो अगर हम अपने बच्चे के लिए इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो अब की बार बर्थडे किसका है? पूरे जगत के पापा का, जगत के पालनहारी का बर्थडे है। तो कम से कम मन में थोड़ी तो हुंसियत बढ़ाएं, हम भी इस बार कुछ करेंगे भगवान के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि आप लोग घर से भगवान के लिए भोग में कुछ भी उस दिन बना के ला सकते हैं। केवल एक नियम, लहसुन प्याज अलाउड नहीं है, ना किचन में ना प्रसाद में, ठीक। इसके अलावा जो भी आप लाएंगे यहाँ पर भोग लगेगा शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक। 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा, उसके बाद 56 भोग का दर्शन होगा, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ प्रसाद मिलेगा, और जो भोग लगा के आप लाएंगे वो अगले दिन बटेगा, ठीक है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन सुबह को भी, जन्माष्टमी के दिन सुबह को भी हमारा नया मठ खुला है, श्री राधा विनोद बिहारी गौड़िया मठ। कहाँ पर है ये? सेक्टर 12 Q29 उसका नंबर है। अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो सेक्टर 12 का जो बारात घर है उसके ठीक सामने, सेक्टर 12 उसका बारात घर बरकोज होटल के बिल्कुल सामने, वहां पर नया मठ खुला है। तो जन्माष्टमी की सुबह का कार्यक्रम वहां मठ में होगा, ठीक है। 5:30 बजे भगवान जी की मंगल आरती होगी, और उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक कथा वहीं पर होगी, ठीक है। तो जो लोग आ सकते हैं सवेरे सवेरे होगी, उस दिन भगवान की बड़े प्यारी प्यारी मीठी मीठी भगवान की भजन होगी। फिर भगवान कृष्ण कौन है, वो अजन्मा होते हुए भी क्यों आए, आने का क्या रहस्य है, कृष्ण है कौन, इसी विषय के ऊपर हमारे भक्त लोग बड़ी मीठी मीठी कथा सुनाएंगे, हैं। इसलिए जरूर उसी दिन सवेरे कोशिश करना, अगर 5:30 बजे आ सकते बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 6 बजे आ जाओ, ठीक है। और उसी दिन वहीं पर हमारी प्रोग्राम होगी, जरूर आना, हम सबको देखना चाहता हूँ वहाँ पर, कौन आए और कौन नहीं आए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आज के जो प्रसाद ने हमें सहयोग किया है, कल आ नहीं पाए थे अर्पण मेडिकल हॉल वाले, सो मेरा अनुरोध है अर्पण मेडिकल हॉल वाले डॉक्टर साहब से कि वो आज आए आगे और आके भागवत जी की आरती करें, महाराज जी से आशीर्वाद लें। इसके अलावा जिन लोगों ने सहयोग किया है, जिन परिवारों ने सहयोग किया है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, श्रीमान सुरेश झा जी और उनका परिवार, श्रीमान अरिंदम साहा जी, ये माता जी बहुत उत्साह में पहली बार कथा में आई, और देखिए पहली बार ही इनका इतना मन करा कि भगवान के प्रसाद में हम लोग सहयोग करें, तो ताली बजाइए इनके लिए सभी लोग। श्रीमान विनोद कुमार गोयल जी, बजाइए ताली बजाइए सब लोग। श्रीमती ललिता देवी गिजौर से, इनके परिवार ने भी सहयोग किया है। श्रीमान रामधनी जी खोड़ा से, इनके परिवार ने आज के प्रसाद में सहयोग किया है। और श्रीमान सुभाष अवाना जी, इनके परिवार ने आज भगवान के प्रसाद में सहयोग किया है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है, जिन परिवारों को मैंने नाम लिया, कि वो लोग परिवार आगे आए और भागवत जी की आरती करें, और उसके बाद महाराज जी से आशीर्वाद लें। हम भी भगवान जी से प्रार्थना करते हैं इनके घर में खूब सुख शांति हो, भक्ति में आगे बढ़े, और हम लोगों को भी भगवान किसी जीवन में प्रेरणा दें कि हम भी भगवान की सेवा कुछ कर पाए। अभी आरती होगी, देखो ये भागवत कथा में मैंने पहले बताया ना, इसमें एक अन्न की दाना अगर किसने दे दिया, एक अन्न की दाना कहते किसी जीवन में, उसकी घर में किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, भगवान कृष्ण स्वयं ये बात को बताएगा। क्योंकि इतने सारे भक्तों को पहले ठाकुर को भोग लगता है, पर इतने सारे भक्तों को मुंह में अगर एक एक अन्न दाना जाए इतना पुण्य है। जैसे सुदामा भगवान के लिए 2 मुठ चिड़वा दिए, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए कथा में जो कुछ दे रहे हो बड़े भाग्यवान है। इसलिए भगवान इनको घर में शांति और सुख दे, और ये लोग खूब फलते फलते। अभी ठाकुर जी की आरती होगी, आप लोग सब के सब खड़े हो जाओ, और जिन जिनों का नाम ली गई वो आगे आए, और ठाकुर जी की आरती उतारे और ऊपर आ करके एक एक फोटो ले जाएंगे आप ठाकुर जी। ठाकुर जी आरती करने वाले कौन गए, तुम ही करने वाले हो?
वो कहाँ गए? अरे इधर कोई बच्चे हैं आरती जला दो तो है नंदु इधर आ प्रभु जी थोड़ा आरती जला वो अकेला आरती करने वाले दामोदर कहाँ गया Thank you.
Yeah.